तो गाइस कैसे हो तुम लोग, आगे भाई लोग धन्यवाद तुम सभी का। तुम लोग अपना काम काज छोड़कर मेरा काम देखने आए हो। तो आज का वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है, इसका आइडिया तुम लोगों को टाइटल और थंबनेल देखकर इजीली नहीं हुआ होगा, क्योंकि टाइटल और थंबनेल मैंने अभी खुद नहीं सोचा है। तो भाई लोग, आज जो मैं तुम लोगों को वांटा हेडशॉट टेक्निक देने वाला हूँ, ये काफ़ी दर्दनाक वांटा हेडशॉट टेक्निक है। और इस वांटा हेडशॉट टेक्निक को तुम लोग बिना किसी प्रकार के पाप के यूज़ कर सकते हो, मतलब बिना DPI के। हमारे भारत देश के कम्युनिटी में DPI यूजर्स को कुदृष्टि से देखा जाता है, तुम लोगों को पता ही होगा। तो हाँ, ये वांटा टेक्निक विदाउट DPI का है, मतलब तुम लोगों को किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़े ही खतरनाक वांटा हेडशॉट मार सकते हो बिना DPI का। तो भाई लोग, वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं तुम लोगों को जो भी नया वांटअप टेक्निक दिखाने वाला हूँ, इसकी ना सबसे पहले विशेषताएं बता दूँ। वेरी गुड। तो भाई लोग, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम लोग अपोनेंट एनिमी को ना एकदम भगा भगा के कुत्ते की तरह मार नहीं सकते। अरे मतलब भगाना ही नहीं पड़ेगा भाई, उससे पहले तुम लोग मार सकते हो। गजब आदमी है यार। फिर दूसरी विशेषता कुछ इस प्रकार से है, जब भी तुम लोग इस वन टैप टेक्निक से वन टैप मारोगे, तो जो तुम्हारा वन टैप एक्यूरेसी है ना, ये नेक्स्ट लेवल तक बढ़ जाएगा भाई। लिटरली तुम लोगों का वन टैप एक्यूरेसी बहुत इंक्रीज हो जाएगा, मतलब वन टैप मिस होगा ही नहीं, तुम लोग इजीली वन टैप मार सकते हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। फिर जो तीसरी विशेषता है भाई लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट के साथ साथ बहुत यूजफुल भी है। देखो, इस वन टैप टेक्निक को तुम लोग सीरियस कस्टम में यूज कर सकते हो, मतलब जब बहुत ही सीरियस कस्टम चल रहा होगा उस टाइम पर तुम लोग इस वन टैप टेक्निक से इजीली अपोनेंट एनिमी को नॉकडाउन कर सकते हो। उस टाइम पे गाइस, ये वन टैप टेक्निक गेम चेंजर होने वाला पूरी तरीके से। और इस वन टैप टेक्निक को मेनली भाई लोग पड़ोसी देश के प्लेयर्स ना ज्यादा यूज करता है। जी बिल्कुल, पड़ोसी देश के प्लेयर्स बहुत ज्यादा यूज करता है, मतलब हमारे देश के भी कुछ प्लेयर्स है लाइक क्लासिक फ्री फायर, स्मूथ ट्रेवल 4, फिर मोबाइल में एलिवेटर जूस, ये सब प्लेयर्स यूज करता है। बट जो पड़ोसी देश के मोबाइल प्लेयर्स, पीसी प्लेयर्स, जितने भी सारे प्लेयर्स हैं, मोस्टली इसी वन टैप टेक्निक से वन टैप मारता है, और इसीलिए वो लोग इतना परफेक्ट गेम प्ले करता है। सही बात। साजा भाई लोग इसको रिवील करते हैं कि आखिर मैं कौन सी वन टैप टेक्निक की बात कर रहा हूँ। वेरी गुड। हेलो भोंक, जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। चल चल चल, हमको तेरे साथ शादी करना है। वूमेन, पागल हो गया क्या? नहीं, मेरे को करनी है। ए भाई, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे नहीं, अभी इंस्टाग्राम पे है ना, रील शेयर करने पर जो टॉप पर दिखी वही अपनी असली जीवन साथी है। तो भाई तू है मेरा जीवन साथी, हमें तरह से ढूंढ रहे तब से। तो भाई लोग, ये विशेष वांटअप टेक्निक समझने से पहले सर्वप्रथम ये चीज समझो। देखो, तुम सभी को पता होगा, अगर कोई प्लेयर ऐसे जॉयस्टिक पकड़ के मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे मतलब मैदान में आराम से टहल रहा हो जॉयस्टिक पकड़ के, सो इस कंडीशन में अगर सामने वाला बंदा थोड़ा सा भी एम देता है, सो ये बंदा उसको इजिली नॉक कर सकता है। मतलब इस जॉयस्टिक प्लेयर के पास बहुत ज्यादा चांस है कि ये सामने वाला बंदा को इजिली नॉक कर ही देगा। और ये चीज भाई लोग, तुम लोग खुद कितना बार नोटिस किए हो, जब भी तुम लोग किसी कवर में रहते हो, ठीक है, और सामने वाला बंदा ऐसे जॉयस्टिक पकड़ के घूम रहा होता है, तुमको पुकार रहा होता है कि तुम मुझे निकलो मारने के लिए, और उसी लालच में जैसे ही तुम उसको मारने के लिए निकलते हो। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा ही होता है। और रुको रुको रुको, ऐसे जॉयस्टिक प्लेयर्स की बहुत सारी और भी विशेषताएं होती है, तुम लोग जितना भी ट्राई कर लो उसको हेड ही नहीं मार पाओगे। अगर कोई बंदा ऐसे जॉयस्टिक पकड़ के घूम रहा है इधर उधर, सो तुम लोग जितना भी ट्राई कर लो उसको हेड मार ही नहीं पाओगे, मतलब बहुत टफ होता है हेड मारना। और जॉयस्टिक प्लेयर ऐसे आराम से टहलता रहता है और तुम लोगों को नॉक करता रहता है। सब तुम लोग के माइंड में चल रहा होगा कि डार्क भाई, क्या हम लोग भी ऐसे अब जॉयस्टिक पकड़ के घूमना शुरू कर दे खुले मैदान में? वैसे हाँ, अच्छी आइडिया है, घूमने का घूम सकते हो तुम लोग, बट मेरा ट्रिक ये नहीं है। इसी चीज को भाई लोग, तुम लोगों को स्मार्टली यूज करना है। कैसे, आ जाओ समझाता हूँ। चलो भाई। तो भाई लोग, उतने देर से तुम लोग यहाँ पर मेरा गेम प्ले देख रहे हो, तुम लोग क्या लगता है मैं जॉयस्टिक पकड़ के घूम रहा हूँ? नहीं। कौन बोल, जरा फोकस करो मेरे जॉयस्टिक पे जब भी मैं वन टैप मारता हूँ। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो मैन। तो भाई लोग, यहाँ पर देखो, मैं जॉयस्टिक को स्मार्टली यूज कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत स्मार्टली। यहाँ पर देखो, जब भी मैं अपोनेंट एनिमी को वन टैप के लिए फायर करता हूँ, उससे जस्ट पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर जॉयस्टिक यूज करता हूँ। अब इसका एडवांटेज मैंने पहले ही बताया, अगर तुम लोग जॉयस्टिक थोड़ा सा यूज करते हो तो सामने वाला अपोनेंट एनिमी तुमको नॉक नहीं कर पाएगा, तुम्हारा एक्यूरेसी बहुत हद तक बढ़ जाएगा, मतलब वन टैप इजीली कनेक्ट हो जाएगा। सो इसको अब यूज करना कैसे है, यहाँ पर मेरा गेम प्ले चल रहा, देखो अपोनेंट एनिमी तो ठीक मूवमेंट दिखा रहा है भाई लोग, मैं अभी मूवमेंट दिखाकर खेल ही सकता हूँ, बट मूवमेंट के साथ साथ भाई लोग IQ भी होना चाहिए। सो जैसे देखो, ये एनिमी मुझे मारने के लिए जंप करता है, मैं सिंपल सा जॉयस्टिक यूज कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को स्टेबल करने के लिए, ताकि मैं अपने आप को स्टेबल कर सकूँ इसको वन टैप मारने के लिए। अब देखो, सिंपल सा मैं जॉयस्टिक यूज करता हूँ, जैसे मैं जॉयस्टिक यूज करता हूँ, देखो मेरे पास एक परफेक्ट पोजीशन है वन टैप मारने के लिए, यहाँ पर बस मुझे ड्रैग करना है। और जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ, देखो अपोनेंट एनिमी को इजीली रेड नंबर कनेक्ट हो जाता है। अब भाई लोग, जैसे ही इस एनिमी को मैं डाउन करता हूँ, मुझे तुरंत रियलाइज होता है मेरे पीछे भी एक एनिमी है, तो क्या मुझे उसे मारने के लिए एक जंप लेना पड़ेगा पहले? नहीं, ये तो हो गया इंडियन प्लेयर्स की बात, अदर सर्वर के प्लेयर्स ऐसा नहीं करता है, वो लोग फर्स्ट प्रायोरिटी मूवमेंट से ज्यादा अपने एक्यूरेसी को देता है। तो यहाँ पर भाई लोग, मैं वही ट्रिक यूज करता हूँ, देखो मैं जॉयस्टिक यूज करता हूँ और इस एनिमी को भी इजीली नॉकडाउन कर देता हूँ। तो यस, यहाँ पर मैंने दो एनिमी इजीली नॉकडाउन कर दिया।
और इस ट्रिक से भाई लोग मैं कितने सारे एनिमी को इजीली नॉकडाउन करता हूँ यहाँ पर गेम प्ले से देख ही सकते हो तुम लोग। फिर भाई लोग तुम लोग यहाँ पर और भी एग्जांपल्स देख सकते हो इस एनिमी को हेडशॉट मारने के लिए। पहले तो मैं एक सुपर जंप ले सकता था, फिर मैं वन टैप मार सकता था, पर यहाँ पर जोन छोटा है, यहाँ पर मूवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा एक्यूरेसी। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं अपना जॉयस्टिक यूज करता हूँ अपने एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए और अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। फिर सिंपल सा देखो, जैसे ही मैं फायर करता हूँ अपोनेंट एनिमी इजीली नॉकडाउन हो जाता है इतने शॉर्ट रेंज में। सो यस, ये ट्रिक ना नेक्स्ट लेवल काम करने वाला है सीरियस कस्टम में। और यही नहीं भाई लोग, इस टेक्निक की और भी बहुत सारी खास बात है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, इस टेक्निक से तुम लोगों का वन टैप मिस नहीं होता है। जी बिल्कुल, इस टेक्निक से तुम लोगों का वन टैप मिस ही नहीं होता है। अगर तुम लोग वन टैप मारने से पहले थोड़ा सा जॉयस्टिक यूज करते हो, लाइक मैं देखो यहाँ पर थोड़ा सा जॉयस्टिक यूज करता हूँ, देखो कितने शॉर्ट रेंज में मैंने वन टैप मार दिया। मतलब इस टेक्निक से वन टैप बहुत कम मिस होता है। सो इस टेक्निक को तुम लोग यूज कर सकते हो काफी शॉर्ट रेंज में सीरियस कस्टम में ग्लू वॉल के अंदर, और ऐसे कंडीशन में यूज करना या फिर ऐसे कस्टम से यूज करना जहाँ पर तुम लोग पूरी तरीके से पहले जा रहे हो। हाँ मतलब तब ये वन टैप टेक्निक ना गेम चेंजर हो सकता है 1v1 में भी। अब भाई लोग, जब भी तुम लोग इस वन टैप ट्रिक के साथ गेम प्ले करोगे, उससे पहले ये जान लो तुम लोगों को हर वक्त जॉयस्टिक यूज नहीं करना है। जी बिल्कुल, हर वक्त जॉयस्टिक यूज बिल्कुल नहीं करना है, तुम लोगों को मूवमेंट के साथ ही खेलना है। बट जॉयस्टिक यूज तभी करना है थोड़ा सा जब तुम लोग वन टैप के लिए फायर करोगे, ठीक है। जस्ट उससे थोड़ा सा पहले, उससे पहले जॉयस्टिक यूज करके मत घूमना, वरना अगर जॉयस्टिक यूज करके घूमोगे तो तुम लोगों का एक्यूरेसी तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा, एकदम टपाटप एक दो हेडशॉट तो मार दोगे एनिमी को। बट अगर मूवमेंट को थोड़ा फोकस करें हम लोग, हाँ, तो ऐसा गेम प्ले अच्छा नहीं लगेगा ना। सो तुम लोग मूवमेंट के साथ ही खेलना, बट जब वन टैप मारना हो तब थोड़ा सा जॉयस्टिक यूज कर लेना। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो जो बंदे नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही विचित्र वीडियोज़ और बहुत ही काम के वीडियोज़ देखने को मिल जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और जो भाई लोग यहाँ पर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हो, सो प्लीज़ भाई लोग तुम लोग यार टॉपिक तो बताओ ना, टॉपिक ही नहीं मिलता मुझे किसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ। क्या तुम लोग जानना चाहते हो, ठीक है, क्या ट्रिक सीखना चाहते हो, प्लीज़ टॉपिक बताना यार। और जो बंदा अच्छा टॉपिक देगा ना, उसका कमेंट में नेक्स्ट वीडियो में जरूर पिक करूंगा। सो प्लीज़ बताओ यार तुम लोग। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।